नमस्कार दोस्तों, लास्ट एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पटवार एग्ज़ाम की जो डेट है उसको लेकर। जैसा कि कुछ विद्यार्थी चाहते थे कि भाई जो इसकी डेट है वो आगे बढ़े, ये जो फिक्स हो गई है 10, 17 और 24, ये इससे आगे बढ़ा के या तो 28 फरवरी की जाए या फिर और आगे मार्च या अप्रैल में की जाए। तो इसके लिए एक बड़े आंदोलन की जो तैयारी की जा रही है वो कब की जाएगी और कहाँ की जाएगी, मैं इसको ये आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को आप, अगर आपको सच्ची और स्टिक न्यूज़ चाहिए जो राजस्थान की वैकेंसी है उनको लेके, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एकदम सच्ची और स्टिक न्यूज़ मिले। तो अगर ये आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर ये परीक्षा स्थगित नहीं हुई तो क्या नुकसान होगा। जैसा कि आपने अभी देखा कि JEE की जो थी परीक्षा वो एक ही दिन हुई थी, फिर भी उसमें इतना जो गफला हो गया था कि पेपर एग्ज़ाम जो था पेपर वो पहले ही आ गया था, तो वो नुकसान यहाँ पर अगर ये 6 शिफ्ट में होगा तो आप देख लीजिए कि जितनी वैकेंसी इसमें से 500 या 700 के आसपास ही बंदे जो है तैयारी करने वाले लगेंगे, उसके अलावा सभी यो पैसे वाले ही लगेंगे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, पटवार भर्ती परीक्षा 2021 को लेके इसमें ये जो आंदोलन किया जाएगा ये उसमें क्या क्या मांगे क्या होगी पहले तो वो देखिए आप, कि परीक्षा पूर्व निर्धारित समय 28 फरवरी को ही हो, एक तो ये मांग हो गई हमारी। और ये जो आंदोलन हमारा होगा ये होगा 14/12/2020 को सुबह 9 बजे आ जाना सभी, और ये होगा जयपुर में। हाँ, ये मतलब सभी जानते हैं कि भाई सीकर चूरू या झुंझुनू से यहाँ से नहीं जा सकते, लेकिन जो बंदे जो जयपुर में तैयारी कर रहे हैं वो आराम से इसमें जा सकते हैं। अगर 1000 या 2000 बंदे भी वहाँ पर इकट्ठे होते हैं तो बहुत असर पड़ेगा इस बात का। आगे देखिए क्या है कि परीक्षा एक ही दिन आयोजित हो, एक बहुत बड़ी ये समस्या ये भी है कि अगर परीक्षा एक दिन आयोजित नहीं होगी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, जैसा कि ये LDC 2018 में हो चुका है लोगों को। एक RSCIT वालों को जो परिणाम है वो छूट 15 मार्च तक होनी चाहिए, अगर एग्ज़ाम जनवरी में कराते हैं तो एक दिन या लगातार 3 दिन हो। अच्छा, भर्ती परीक्षा है जो भर्ती प्रक्रिया है वो ईमानदारी से हो और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू हो, ये बहुत ज़रूरी है। नॉर्मलाइजेशन होना बहुत बहुत ज़रूरी है, इसके बिना बहुत नुकसान होगा। अगर मान लीजिए किसी का 10 तारीख को करवा दिया और एक का होगा 24 को, तो 10 वाले और 24 वाले में 5 नंबर का जो फ़र्क है वो अपने आप आ ही जाएगा, क्योंकि वैसे पैटर्न का भी पता चल जाएगा और टाइम भी मिल जाएगा तैयारी करने को। अच्छा, इसके बाद है कि सभी वायुक्त मांगों को लेकर अधिक से अधिक संख्या में 14 दिसंबर सुबह 9 बजे आ जाना है, और आना कहाँ पे है ये देखिए, ये आना है राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आवास पर। ठीक है, और पता ये है टीन हाउस 467 ए ब्लॉक सिद्धार्थ नगर स्टैंड हैंगर रोड जवाहर सर्किल सगतपुरा जयपुर। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें जो ये चाहते हैं कि भाई पटवारी की जो एग्ज़ाम है वो आगे हो। ठीक है दोस्तों, शेयर ज़रूर करना और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर देना भाई। थैंक यू।